दोस्तों, एक फोन पे यूजर ने हमसे क्वेश्चन किया है, अगर मैं फोन पे के द्वारा किसी भी लोन ऐप जैसे कि होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, इनकी अगर इंस्टॉलमेंट जमा करनी हो तो मैं कैसे करूं? क्या है तरीका फोन पे के अंदर इंस्टॉलमेंट जमा करने का? अगर दोस्तों आप भी ऐसे यूजर हैं, आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप भी घर बैठे फोन पे के द्वारा कोई भी होम क्रेडिट या बजाज फाइनेंस की इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे हम यहां पर फोन पे के द्वारा होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस या अदर लोन ऐप की किस्त जमा कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। फोन पे के अंदर इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए सबसे पहले हम फोन पे ऐप को ओपन करते हैं एंड यहाँ पेन डाल के लॉगिन हो जाते हैं। फोन पे ऐप ओपन होने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सी ऑल मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर आने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा लोन का एक ऑप्शन, लोन पेमेंट फाइनेंशियल सर्विस एंड टैक्सेस के अंदर। तो आप लोन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी लोन विलर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपने लोन लिया है वो आप पे कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस है, HDB है फाइनेंस, होम क्रेडिट है ना, तो काफ़ी यहाँ पर है, मुथूट फाइनेंस भी है ना। आपको जो भी इंस्टॉलमेंट जमा करनी है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। मुझे करनी है होम क्रेडिट की, ठीक है, मैं यहाँ पर होम क्रेडिट पर क्लिक कर। अभी आपसे पूछेगा लोन अकाउंट नंबर एंड कॉन्ट्रैक्ट आईडी, ठीक है। तो आपको लोन अकाउंट नंबर पता नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट में कहीं रख दिया है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट आईडी डाल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आईडी आपको कहाँ मिलेगी, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं खोलता हूँ अपना होम क्रेडिट का ऐप। एक्टिव लोन पर क्लिक करने के बाद आपको सामने ही दिख जाएगी कॉन्ट्रैक्ट आईडी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आईडी आपकी ये है, आपको ये ले लेना है, ठीक है, या कहीं लिख के रख लेना। तो मैंने याद कर ली इसकी कॉन्ट्रैक्ट आईडी, ठीक है। एंड जैसे ही आप कॉन्टैक्ट आईडी डालेंगे कंफर्म नीचे बटन एक्टिव हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, आपकी कस्टमर नेम आ जाए, यहाँ पर कस्टमर नेम शो हो जाएगा और आपका अमाउंट आ जाएगा जो भी आप इंस्टॉलमेंट जमा करने चाहते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद आपको पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपका जो भी लोन का इंस्टॉलमेंट हुई वो जमा हो जाएगी फोन पे के द्वारा। तो इस तरह से हम फोन पे ऐप के द्वारा कोई भी अपनी किस्त जमा कर सकते हैं घर बैठे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।